हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी इब्राहिम गोल्ड फार्म पे गोगी भाई, जफर भाई और मोहसिन भाई के साथ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गोगी भाई कहाँ आ गए अपन भाई? अभी अपन इब्राहिम गोल्ड फार्म पे ही हैं और ये भाई के, ये समझ लो कि ये भी पूरा भाई का ही है। ये खास लोकेशन पे आने की वजह बताओ आप भाई। हम ये चाहते थे कि हमें जो इब्राहिम गोल्ड फार्म के लोगों ने फार्म देखे हैं, सब चीज देखी है, तो ये व्यूज भी दिखाएं हम लोग। जो व्यू है यहाँ फार्म के बाजू का, आप खुद देख सकते हो और इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। क्योंकि हम लोग तो भाई ज्यादातर आते हैं तो यहीं पर ही मस्ताना। शादाब भाई आप भी आते हो तो यहीं पर घूमना फिरना। और एक खास वजह ये भी थी कि अपना ड्रोन था, अपन की तमन्ना थी कि ड्रोन सबसे पहले अपन इब्राहिम गोल्ड फार्म पे उड़ाएं। भाई ये हकीकत बात है कि आपकी, मेरी और अपन सबकी तमन्ना थी कि जो व्यूज यहाँ का है वो बहुत कम बकरेबाजों को मिलता है। लोग बाग बेचारे छतों पे शूट कराते हैं, ग्राउंडों में शूट कराते हैं, पार्क में शूट कराते हैं। अल्लाह का शुक्र है यहाँ ऑलरेडी है। तो अब एक तमन्ना थी कि भाई जब ड्रोन लेंगे सबसे पहला शूट इब्राहिम गोल्ड फार्म का होगा। तो आज वो था भाई, वो दिन है। तो हम लोग सब यही आए और आप देख ही सकते हो शादाब भाई कैसा लग रहा है। वो मौसम भी बड़ा हसीन हो रहा है। बिल्कुल तो भाई, बिना वक्त जाया करके सीधे सोहेल भाई के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं भाई। जी, जी बकरे देखेंगे अपन इस वीडियो में। आइए ना भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फाइनली बहुत टाइम बाद अपन वीडियो बना रहे हैं बकरों का। ये तो अपने जो एग्जॉटिक बकरे हैं और बड़े बकरे हैं वो बकरे अपन वीडियो में दिखाएंगे। और अपने पास बच्चे अलग हैं छोटे। हाँ भाई, आपके नेक्स्ट वीडियो में बच्चे भी मैं दिखाऊंगा। और कितने बच्चे हैं बताना चाहोगे आप? 46 माशाल्लाह। अभी बच्चे ही बच्चे हो गए। और इससे पहले भी थे अपने पास? हाँ पहले थे और अब ये न्यू है। अभी इस वीडियो में कौन कौन से बकरे देखेंगे अपन भाई? इस वीडियो में मैं अपने बड़े बकरे हैं और कुछ एक्सोटिक हैं। कौन कौन से एक्सोटिक में? जिंग है, आप यमनी है आपके, और ये मरीनो मेंढा है, और जैकब शीप भी है। बेंटम है, मेरा फेवरेट बकरा है बेंटम। तो ठीक है सोहेल भाई, अभी स्टार्ट अपन इसी बकरे से करते हैं, मेंढे से। इसके बारे में बताते चलिए, कौन सी ब्रीड के अंदर है भाई ये मेंढा? ये भाई कश्मीरी मेंढा है। कश्मीरी मेंढा है जी। कहाँ से परचेज किया था आपने? मैंने भोपाल से परचेज किया। माशाल्लाह, क्या डिटेल्स पे है अभी ये भाई? अभी चार दांत लगा रहा है। चार दांत अभी लगा रहा है? दो दांत पे ही है, चार दांत लगा रहा है, फिर तीसरा लगा रहा है। और वेट चेक किया आपने इसका? मैं भाई कोई भी जानवर का वेट चेक नहीं करता, क्योंकि मेरे शौक के जानवर है। और वेट मशीन भी नहीं है अपने को? नहीं, मैं रखता ही नहीं हूँ वेट मशीन, ना वेट करता भाई जी, क्योंकि ये मामला शौक का है। हाँ शौक का मामला है, मैं सेलिंग नहीं करता हूँ जी। जी जब भी करूँगा तो फिर वेट देके करूँगा ना जी। बाकी दो बकरे अपने पास बहुत हसीन है। अपन ने बहुत छोटा जब थे जब वीडियो बनाया था इन बकरों का। हाँ भाई, मेरी होम ब्रीड है, घर के बच्चे हैं जी। जी जी, आइए उसको भी दिखाइए आप। ये बच्चे को तो सोहेल भाई मैंने बहुत छोटा देखा था। हाँ भाई, ये दोनों फार्म के बच्चे हैं। हाँ ये है और ये है। अभी कितने डिटेल्स पे है ये भाई? मैंने बोला ना, छह दांत पे दो बकरे हैं दोनों। ठीक है, दोनों छह दांत पे है। वेट कंफर्म नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, और हाइट मेरे हिसाब से कम 38-39। नहीं भाई, हाँ 39-40 प्लस होना चाहिए। तो ये अभी ब्रीडिंग के लिए यूज कर रहा है अपन? ब्रीडिंग ही चल रही है भाई, माशाल्लाह ब्रीडिंग। और इन बकरों की जो भाई ब्रीड है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह भाई अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जहाँ पर हम खड़े हैं जी 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 भाई, मेरी पूरी बकरियाँ यहाँ पर रोज एक दो घंटे घूमने आती हैं, ग्रेजिंग करती हैं। अच्छा जी, तो उससे कुछ फायदा दिखा? बहुत फायदा होता है भाई, बहुत फायदा होता है ग्रेजिंग करने से। शेयर कीजिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भाई। मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बकरियाँ तो पहले तो बीमार बहुत कम होती हैं अगर आप चलेंगी फिरेंगी। अच्छा, और दूसरा एक्सपीरियंस ये है, लोग कहते हैं कि बकरियाँ डिलीवरी देती हैं 5.5 महीने में। मेरा अनुमान है कि बकरियाँ चलेंगी फिरेंगी तो 5 महीने से पहले ही जन जाएंगी, जन जाती हैं। माशाल्लाह, 5 महीने होते नहीं है मेरे पास कोई भी बकरी को, चाहे कितनी बड़ी बकरी हो कितनी छोटी बकरी हो, 5 महीने नहीं होते। अच्छा, चलने का फायदा है। चलिए ठीक है, तो ये एडवांटेज इस चीज़ का है। बाद में एक बकरा ये भी है, इसको भी बताओ आप। माशाल्लाह बहुत ही हसीन है गला पट्टी इसकी। ये भी छह दांत पे ही है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह छह दांत पे है माशाल्लाह। ये इब्राहिम गोल्ड फार्म के सुल्तान है। सुल्तान नाम है उसका, भाई का नाम मिर्जा है। मिर्जा माशाल्लाह। होगी भाई थोड़ा चला के दिखाओ बकरे को आप। तो सोहेल भाई अभी इस बकरे का आउटपुट कैसा मिला आपको? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बच्चे भी देखने मिलेंगे अपन को इंशाल्लाह, मिलेंगे माशाल्लाह। तो अभी फोर सेल के लिए है या ब्रीडिंग के लिए रखा भाई है अभी? यहाँ पर भी जितने जानवर है कोई फोर सेल के लिए नहीं है, अपन सिर्फ शौक के लिए वीडियो बना रहा है, पब्लिक को दिखा रहे हैं ये। ठीक है, आइए और भी जानवर हैं आगे, उनको भी देखते चलते हैं। ये सबसे फेवरेट बकरा है आपका बेंटम? जी भाई, ये बेंटम लंबे टाइम से रखे हुए हैं आप। हटो बेटा, राजा। कितना टाइम हो गया इसको आपके पास में भाई? ये 2 साल से ज्यादा हो गया मेरे पास, और ये
मेरे पास छोटे से आया था इसकी माँ के साथ और इससे मैंने ब्रीडिंग ली है। तकरीबन इसके मेरे पास 10 बच्चे हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा ब्रीडर है भाई, गुलाबी बच्चे हमेशा देता है। दांतों में तो 8 हो गया होगा अभी। जी 8 हो गया है। इस बार भी 3 बच्चे आए हैं इसी के। ये अपने फार्म की ब्रीड है भाई? जी जी फार्म की ब्रीड है माशाल्लाह। इसका कुछ नाम रखा भाई आपने? इसका नाम बॉस है भाई। बॉस जी बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट बकरा है तो इसलिए मैंने बॉस ही रख दिया। अभी गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा वेट बकरे ने तोड़ा भाई। बहुत सारे बकरों ने वेट तोड़ा है इस बार भोपाल में, कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ी है भाई। आज जाके थोड़ी ठंडक हुई है। आज बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है भाई, मजा आ रहा है। वीडियो बनाने में अपनी वीडियो आज बनाने का प्लान था और अच्छा मौका लगा आज, मौसम भी बढ़िया है, क्लाइमेट है भाई। और भाई ये बकरा? ये बकरा मेरा भाई होम ब्रीड है। इसका क्या नाम रखा? आगरा है नाम। अभी इसका कुछ नहीं रखा मैंने, तो अभी नया आया भाई नाम। अभी इंशाल्लाह नया नया भाई, ये मेरे घर का होम ब्रीड है, मैंने बताया ना। अच्छा, यही बकरी होम ब्रीड है। हाँ, इससे मैंने ब्रीड ली है और ब्रीड ले रहा हूँ अभी तो। ये भाई चार दांत कर रहा है। अभी गोगी भाई से ही पूछ लेता हूँ। गोगी भाई आप ही बता दो कोई नाम अच्छा सा भाई। इंशाल्लाह अभी तो सोचा नहीं है भाई, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी उसमें बहुत सारे बकरों का नाम रखना है, नामकरण करके अपन वो वीडियो बनाएंगे। माशाल्लाह बढ़िया है भाई। ये भी इसके बाद और कौन से बकरे बचे हैं भाई? आइए ना भाई। भाई ये यमनी है मेरा गोट फार्म का, इसका इसके भी बच्चे मेरे पास हैं। मेरे ख्याल से अभी भोपाल में किसी के पास भी नहीं होगा यमनी तो। जी जी भाई मेरे पास जानवर कुछ ऐसे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आगरा दिखाया मैंने, ऐसे हथियार वाला आगरा भोपाल में नहीं होगा। और ये यमनी है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ब्रीड ले रहा हूँ भाई मैं। इसकी फीमेल भी है अपने पास? हाँ फीमेल है ना भाई, इससे ब्रीड लिए मैंने और अच्छा। बहुत अच्छा बच्चा आया है। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा इसने। इसका क्या नाम रखा आपने भाई? इसका नाम भी नहीं रखा, इसका भी नाम नहीं रखा अभी कुछ। बहुत बढ़िया है, तो इसका आउटपुट भी अच्छा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी आपने कुछ ऐसा सोच के करा नहीं कि अपन इतनी ब्रीडिंग करवा रहा है उसका करेंगे क्या? शौक में बस चल रहा है? नहीं भाई, थोड़ा सा अभी आपको बताया ना मैंने, बच्चे निकालूंगा। अच्छा, बच्चे आपको सेकंड वीडियो में बच्चे दिखाऊंगा। बच्चे निकालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ज्यादा लाइफ स्टॉक में रोटेट करते रहना चाहिए। फीमेल में रखता हूं, फीमेल बढ़ा रहा हूं मैं, और बच्चे में जो मेल होते हैं ना वो सेल। ठीक है सोहेल भाई, अभी मैं देख रहा हूँ कि एक्सोटिक के अंदर सिर्फ एक सानिया नहीं मुझे कम दिख रहा है और एक बोर। भाई बहुत जल्द आपको 2 से 3 दिन के अंदर सानियन मेरे फार्म पे मिलेगा। हाँ, वो भी बहुत एक्सोटिक, बहुत अच्छा सानियन में ला रहा हूं। अच्छी ब्लड लाइन का जी, और अच्छा हथियार है, बहुत अच्छा सानियन है। ये भी जैकब है अपने पास? ये जैकब है भाई, मैंने भोपाल से परचेस किया था। कितने दांतों पे है ये? 4 दांत पे भाई माशाल्लाह। इसको भी ब्रीडिंग के लिए यूज कर रहा है अपन। हाँ, इस फीमेल लाने की सोच रहा हूँ, अभी तक फीमेल मुझे मिली नहीं इसके लिए अच्छी। हाँ, फीमेल तो खैर मैंने भी अभी तक बहुत कम देखी है इस ब्रीड के अंदर। जैकब में, जैकब में तो मिलेंगे नहीं, मगर मेंढी लाऊंगा दो सींग वाली। हो सकता है कि वो 4 ही निकाल दे सींग फिर, जो अल्लाह का मंजूर भाई। सही बात है। ठीक है सोहेल भाई, माशाल्लाह मजा आ गया जानवर देख के। एक से एक नायाब बकरे हैं सब। और ये अपना पुराना ही सिंगे है? ये पुराना सिंगे भाई मेरा, ये लास्ट ईयर भी कवर किया था वही। ये वही है माशाल्लाह। और इसके बच्चे फिर से भी 2 बच्चे मेरे पास आए हैं। और अंगूरा से भी मैंने इसको लगाया था, अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, अंगूरा मेरे पास फीमेल है। इसके कितने बच्चे हैं अपने पास में अभी? इसके मेरे पास 4 बच्चे हैं अभी। 4 बच्चे हैं जी। तो उसमें से आपका कुछ इरादा है किसी एक? मैं बताया ना मैंने आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बच्चे दिखाऊंगा और जो भी निकालना होंगे बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है, हो गए भाई अभी पूरे जानवर। ओके भाई, ठीक है भाई, माशाल्लाह मजा आ गया जानवर देख के। तो ये हमारे फहीम भाई से एक बात कीजिए। जी आइए फहीम भाई। जी फहीम भाई, अभी आप बताओ, आप क्या हम लोगों से ज्यादा फार्म पे आते हो और जानवरों को देखते हो आप, तो आपको कैसा लग रहा है अभी मेंटेन है जानवर फुल गर्मी के हिसाब से? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फार्म पे आता नहीं हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म ही अपना बड़े भाई इब्राहिम गोट फार्म है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही है। अभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अपना नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहे अपन कर सकते हैं फार्म को, अल्लाह का शुक्र है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ जानवर है, ऐसे जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह के भोपाल शहर में नहीं होंगे भाई। और सोहेल भाई अपने पास मेहनत जो करते हैं बंदे, उनके बारे में भी बताओ। अपने राजा मियां भाई ये मेहनत करते हैं फार्म, ये फार्म पे मेहनत करते हैं, ये माशाल्लाह 10 लड़के हैं भाई इसमें, दो चार अभी है नहीं भाई। राजा भाई, वीरेंद्र भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं ये जी, वो माशाल्लाह मेहनत है भाई, दिख भी रही है इनकी मेहनत, बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है। अब जैसे कुछ लोग जैसे बकरेबाजी के अंदर है नहीं, मोहसिन भाई, अब उनसे पूछता हूँ इनको कैसा लगा माल, सिर्फ शौक में बकरे देखते हैं मोहसिन भाई, अच्छा लगता है इन्हें बकरे देखना? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, और हमारे भाई जैसे बकरे तो भोपाल में नहीं होंगे। जी जी, वो माशाल्लाह सब अच्छी ब्रीड है। आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी? जी भाई माशाल्लाह ये अपना सिंग। जी सिंग, ये बालों की वजह से ज्यादा जी। हाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है भाई। जी जी, अभी काफी मजा आया भाई वीडियो बना के हमको। ठीक है भाई, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जी अल्लाह हाफिज़ भाई।